जय हिंद। तो आप सभी स्टूडेंट इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, ताकि जो भी बच्चा अभी ज्वाइन नहीं कर पाया ज्वाइन कर सके, और हम लोग इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग को समय का अभाव है। तो देखिए, आज हम लोग 4 यूनिट यानी कि इतिहास हिस्ट्री में आपका फर्स्ट यूनिट यानी कि पाषाण काल, सेकंड यूनिट आपका हड़प्पा काल, और तीसरा यूनिट आपका उत्तर रिंग वैदिक काल हम लोगों ने कवर कर लिया है। 3 यूनिट आपका समाप्त हो गया है। तो आप इस पर जो भी क्वेश्चन है आपको अधिक से अधिक इस पर प्रैक्टिस करना एंड रिविजन करना, तो आप खूब इस पर ध्यान लगाकर स्टडी कीजिए। यानी आज के इस क्लास में यानी कि इससे पहले जो भी 3rd यूनिट है, तो आप इससे लेवल यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन इस 3 यूनिट से आप उठाइए। अगर आपको एक भी प्रश्न इस यूनिट से यानी कि हमारा पढ़ाया हुआ लेक्चर से आपको बाहर कहीं नहीं से प्रश्न आने की संभावना, मतलब 0% भी यानी हमारा पढ़ाया से अलग आपको नहीं आ सकता। ग्रेजुएशन लेवल का सारा एग्जाम केवल यूपीएससी का छोड़ दिया जाए, बाकी बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, सीडीपीओ हो गया है ना, कांस्टेबल हो गया है, वह एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सीजीएल हो गया, या किसी भी डिफेंस का एग्जाम दीजिए, तो ये सब सारा टॉपिक इतने में आपका कवर हो जाएगा। यानी इससे अधिक आपको प्रश्न न पूछने की संभावना नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपको जनरली हम लोग ग्रेजुएशन लेवल तक ये स्टडी कर रहे हैं, केवल यूपीएससी को लेवल छोड़कर बाकी जितने भी एग्जाम को ग्रेजुएशन लेवल का सब लोग हम लोग इसमें कवर करें। तो आज के इस क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने वैदिक काल को सॉरी रिंग वैदिक काल में देखा था, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच को काल को हम लोग कहते हैं रिंग वैदिक काल, और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के काल को हम लोग कहते हैं रिंग उत्तर वैदिक काल। यानी देखिए, रिंग वैदिक काल उस काल को कहते हैं जो रिंग वेद के आधारित काल को, यानी रिंग वेद के आधारित काल को हम लोग रिंग वैदिक काल कहते हैं, और रिंग वेद के बाद जो वेद आए जैसे यजुर्वेद, साम वेद, अथर्व वेद, यानी 3 जो वेद आए उसका हम लोग डिटेल स्टडी किसमें करेंगे, तो उत्तर वैदिक काल में। यानी बाद के जो वेद आया, रिंग वेद के बाद जो वेद बना उसके यानी कि बाद को ही हम लोग उत्तर कहते हैं, और उसके बाद जो 3 यानी यजुर्वेद, साम वेद और अथर्व वेद ये वेद आए तो हम लोग डिटेल स्टडी यानी उत्तर वैदिक काल में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे दीजिए यूनिट 4 उत्तर वैदिक काल, और ए सेक्शन लिख दीजिए यानी कि इंटरवल टाइम कब था, तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है ना। तो हेडिंग दीजिए, उसके बाद हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग जाना रहा कि कुल कितने वेद है, यानी कि वेद है कुल 4, रिंग वेद एक हो गया आपका, यजुर्वेद और एक हो गया आपका सामवेद, और एक हो गया आपका अथर्ववेद। है ना, यानी आपका कुल कितने वेद हो गए, रिंग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम लोग रिंग वेद के बारे में पढ़ेंगे, यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, सामवेद क्या कहता है यानी और अथर्ववेद क्या कहता है, है ना। तो देखिए, सबसे पहले रिंग वेद सबसे बड़ा वेद है, यानी कि सबसे बड़ा वेद रिंग वेद है, जो सबसे बड़ा वेद है यानी कि इसमें रिंग वेद सबसे बड़ा वेद है। इसमें कुल कितने मंत्र हैं, यानी कि 10580 मंत्र हैं। एक बात और गौर कर लीजिएगा, मंत्र को ही रिच कहा जाता है ना, तो ये ख्याल आपको लिखना नहीं, आपसे प्रश्न उलट सकता है, तो याद रखिए रिच कहा जाता, ऋचाओं कहा जाता है मंत्रों को। तो यानी कि सबसे बड़ा वेद कौन है, रिंगवेद, और रिंगवेद में कुल 580 मंत्र है, है ना। और इसमें क्या क्या हम लोग संकलन यानी कि इसमें क्या क्या विषय वस्तु को इसमें रखा गया यानी जोड़ा गया है, तो इसमें क्या आपको मिलेगा, प्रार्थना और उपासना का मंत्र, यानी इसमें आपको प्रार्थना और उपासना का मंत्र मिलेगा। यानी रिंगवेद में क्या क्या हमको मिलेगा, रिंगवेद में प्रार्थना और उपासना का मंत्र मिलेगा, है ना। तो यानी कुल कितने इससे रिलेटेड मंत्र है, 10580 मंत्र है जो प्रार्थना और उपासना के लिए मंत्र मिलेंगे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग यजुर्वेद देखते हैं, तो यजुर्वेद में कुल मंत्र की संख्या देखिए 1975 मंत्र यहाँ है, और 1875 यानी कि 100 गो इससे 100 कम कर देना, यानी कि 100 को कम कर देना तो यानी 1875 मंत्र हो गया, और इसमें आपका 6000 मंत्र हो गया। तो आप खुद बताइए कि इसके बाद कौन सबसे बड़ा वेद है, यानी रिंग वेद के बाद यजुर्वेद हम लोग पढ़ रहे थे, यजुर्वेद का किसका स्थान या सबसे तीसरा बड़ा है, यानी तीसरा सबसे बड़ा कौन है, तो यजुर्वेद है ना। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है,
यजुर्वेद कर्म कांडीय, कर्म कांडीय, कर्म कांडीय का मतलब आपका प्रश्न मुझे सर कर्म कांडीय का मतलब क्या होता है, तो कर्म कांडीय का मतलब एक लंबा प्रोसेस के द्वारा किसी क्रिया को करने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं उसको कर्म कांड कहते हैं। जैसे आपका एक शादी हो रहा है तो शादी में देखते होंगे शादी का प्रोसेस लगभग लगभग 10 दिन तक चलता है ना, तो तिलक हो गया उसके बाद क्या क्या होता है उसके बाद, यानी कि प्रोसेस लंबा चलता है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल में देखिए, जैसे किसी के यहाँ लोग यानी कि मृत्यु हो जाता है उन लोग को, तो हिंदू धर्म में कम से कम उन लोग 10 दिन का एक 12 दिन का एक प्रोसेस चलता है, तो लंबा प्रक्रिया के द्वारा, जैसे पहला दिन हो गया, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा दिन, दसवां दिन के पर, यानी कि 10 दिन पर होता है दसवां, और ब्रह्मा दिन पर यानी कि उनका भोज होता है ना, तो ये हिंदू धर्म में यानी कि एक प्रक्रिया है। तो ये कर्म कांडीय और यह कर्म कांडीय, इसमें यज्ञ का उल्लेख मिलता है, यानी इसमें क्या मिलेगा, तो यज्ञ का उल्लेख इसमें मिलेगा यजुर्वेद में है ना, यानी कि यह सबसे दूसरा मंत्र है। और ये खास बात यह है यजुर्वेद का, इसमें इसको यह एक गद और पद दोनों में है, यानी गद और पद दोनों में, यानी यजुर्वेद। ये बाकी जो आप सब सभी देख रहे हैं ये जो वेद है ये आपको किसमें मिलेगा, ये आपका गद में मिलेगा, सॉरी पद में मिलेगा। बाकी ये जो यजुर्वेद है ये आपका गद और पद दोनों में। गद का अर्थ क्या होगा है ना, तो गद का अर्थ हुआ कहानी, कहानी फॉर्म में भी है और एक कविता फॉर्म में है। तो इसका दो भाग है, एक है कृष्ण यजुर्वेद यजुर् और एक है शुक्ल यजुर्वेद। है ना, इसका दो भाग है, यानी कि यजुर्वेद का कितने भाग है, दो भाग, यानी एक है कृष्ण यजुर्वेद एक है शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद में गद और पद यानी कहानी और कविता दोनों फॉर्म में है, यानी गद और पद फॉर्म में कौन है, तो कृष्ण यजुर्वेद। और ये आपका केवल पद फॉर्म में है, पद फॉर्म यानी कि ये आपका केवल पद फॉर्म है। तो हम लोग ने देखा कि यजुर्वेद में कुल 975 मंत्र हैं और यह तीसरा सबसे बड़ा मंत्र है ना, ये आपका तीसरा सबसे बड़ा मंत्र, यानी कि पहला है ऋग्वेद सबसे बड़ा, उसके बाद अथर्ववेद में 6000 मंत्र है और 975 मंत्र है यजुर्वेद में, और सबसे छोटा हो गया अथर्ववेद, सॉरी सामवेद। तो ये हो गया आपका यानी कि यजुर्वेद और ऋग्वेद हम लोग ने देख लिया। अब उसके बाद हम लोग सामवेद देखते हैं, यानी सामवेद में कुल कितने मंत्र है, यानी कि 975 में से 100 घटा देंगे तो 1875 मंत्र है, और ये सबसे छोटा मंत्र है, है ना, ये सबसे छोटा मंत्र है। और सामवेद में, सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है, यानी कि संगीत का उल्लेख कहाँ है, सामवेद में। और भारतीय जो ये खास बात, यानी कि संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। और भारतीय संगीत, यानी भारतीय संगीत जैसे सारे गामा पधा नीचा एक है ना, उसका यूज कहाँ है, तो यानी सामवेद, यानी भारतीय संगीत का जनक, यानी भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो गया सामवेद। आपको सामवेद किसे कहा है, यानी कि ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत में बनाया गया है ना, यानी किसमें बनाया गया, ऋग्वेद के मंत्रों को क्या बनाया गया है, संगीत में। तो हम लोग ने देखा अथर्ववेद यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ने हम लोग को सामवेद देखा, और उसके बाद हम लोग अथर्ववेद के कवर करते है ना। तो हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र है, 10580 मंत्र है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा यजुर्वेद हो गया 1975 मंत्र, और ये 1875 किसमें, सामवेद में कुल कितने मंत्र है, 1875 मंत्र है, निसामवेद में कुल कितने मंत्र है, 1875। और ये सबसे छोटा वेद है, इसको संगीत, यानी कि संगीत का उल्लेख आपको कहां मिलेगा, सामवेद को। और ये 69 जो मंत्र है, यानी कि 1875 में से 69 को छोड़ के बाकी जो भी मंत्र हैं उन्हें तो ऋग्वेद से लिया गया है, यानी जो भी मंत्र हैं वो कहां से लिया गया है, यानी कि ये कवर किया गया है यहां से आपको लिया गया है, यानी 69 मंत्र को छोड़कर बाकी सभी मंत्रों को ऋग्वेद से लिया गया। और यानी कि ऋग्वेद के सभी मंत्रों को कहां क्या किया गया, तो संगीत में बनाया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अथर्ववेद, इसमें कुल कितने मंत्र है, 6000 मंत्र है, और ये आपका सबसे ये दूसरा बड़ा है ना। इसमें आपको तंत्र मंत्र, जादू,
इसमें आपको तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख मिलेगा, यानी कि तंत्र मंत्र का जितना भी विधि विधान है क्रियाकलाप है वो आपको अथर्व में मिलेगा। और ये साथ ही जादू टोना यानी कि आज भी लोग जादू टोना में विश्वास रखते हैं, तो किसमें संकलित है सब चीजें अथर्ववेद को। और एक खास बात है, जो अथर्ववेद है इसको हम ब्रह्म वेद भी कहते हैं, ब्रह्म वेद यानी अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है, ब्रह्म वेद। और इसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इसका जनक अथर्ववेद को माना गया कहा गया है। तो भारतीय चिकित्सा यानी कि भारतीय चिकित्सा का जनक किसे कहा गया है, अथर्ववेद में, यानी जो भारत में जो चिकित्सा पद्धति अपनाई गई वो कहां से लिया गया है, तंत्र मंत्र यानी कि अथर्ववेद से लिया गया। तो ये हो गया आपका सेक्शन कि रिंग वेद, कुल कितने वेद हैं, चार वेद को हम लोग देख लिया। अब जैसे रिंग वेद है, यजुर्वेद है, साम वेद है और अथर्ववेद है, तो रिंग वेद के पुरोहित को यानी जो पूजा पाठ या धर्म गुरु है पूजा पाठ करवाएंगे तो उसको उनको क्या कहेंगे, है ना, उनको क्या कहकर बुलाएंगे, यजुर्वेद में उनको क्या कहा जाता है, साम वेद में क्या कहा जाता है और अथर्ववेद में क्या कहा जाता है। तो हम लोग ने देखे इसका जो है ना, यानी कि इसका रिंग वेद के पुरोहित को देखेंगे, यानी कि पुरोहित को कहता है, रिंग वेद में पुरोहित को कहा जाता है क्या, होता कहा जाता है, होता या कहीं आपको मिलेगा होत्री लिखा, तो ये आपको ध्यान रखना, यानी कि रिंग वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, होता या होत्री इसको कहते हैं, रिंग वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, होता या होत्री। उसके बाद हम लोग देखेंगे यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद में कुल कितने मंत्र हो गए। अब यजुर्वेद में यजुर्वेद के पुरोहित को कहा जाता है अथर्वायु, यानी यजुर्वेद के पुरोहित को यजुर तो याद रखिएगा यूर है, यानी अथर्ववेद। उसके बाद हम लोग देखेंगे सामवेद, यानी सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो आप अगर कोई जानते हैं तो बताइए कमेंट में, जिसको कहा जाता उद्गाता, यानी कि सामवेद को क्या कहा जाता, साम मतलब गान, तो याद रखिए गान मतलब गाना, तो गाना किससे रिलेटेड है, सामवेद, यानी सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाएगा, उद्गाता। और ये आपको बताएं ब्रह्म, तो इसको ब्रह्म वेद यानी कि ब्रह्म यानी इसके ब्रह्मा कहा जाता है, यानी कि इससे जो पुरोहित हुए उनको अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। यानी हम लोगों ने देखा कि ऋग वेद के पुरोहित को कहा जाता होता या होत्री कहीं कहीं देखने को मिलेगा, यजुर्वेद के पुरोहित को यजुर, तो याद रखिए याजुर, तो इसमें भी आधार याद करने का ट्रिक, यानी रिंगवेद के पुरोहित को होता है होत्री कहते हैं, यजुर्वेद के पुरोहित को अधारवायु कहते हैं, या इसको कहते हैं क्या, यानी यजुर से याद करके यजुर, तो मतलब इसमें भी यूर है और यह इसमें भी यजुर है, तो याद रखिए दोनों सेम चीज कॉमन कॉमन लगभग मिलता है, तो यजुर्वेद का पुरोहित अधारवायु। उसके बाद साम वेद का, यानी साम मतलब होता है गान, यानी साम का रिलेटेड है, साम का अर्थ होता है गान, और साम इधर भी लिखा हुआ खुद अपने शब्द में लिखा हुआ है, उद्गाता यानी उद्गाता मतलब गाना से किसे रिलेटेड है, तो संगीत से, यानी संगीत कहाँ से है, तो सामवेद से, यानी सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो उद्गाता। और अथर्ववेद हो गया, अथर्ववेद को दूसरा नाम क्या है, ब्रह्म वेद, और इसके पुरोहित को ब्रह्मा यानी ब्रह्म कहा जाता है, ना, तो ये हम लोगों ने देखा, यानी इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। और हम लोग आप देखेंगे, यानी कि एक खास टॉपिक है जिसे वेद हो गया, उसके बाद उपवेद, है ना, अगर इस उपवेद के रचनाकार और विषय वस्तु हम लोगों ने देखा, तो वेद तो ठीक है लेकिन उपवेद किसे कहते हैं, जैसे हम आपको उपवेद को समझिए सीधा एग्जांपल से, देखिए हम आपको समझाते हैं, जैसे उपवेद से हम आपको क्लास ले रहे हैं, क्लास में बीच बीच में हम मोटिवेटेड जो बातें बार रहे हैं बता रहे हैं, या कभी कभी सैड वीडियो सैड चीजें भी बता रहे हैं, खुशी के लिए भी चीजें बता रहे हैं, दुखी के लिए कभी कभी शायरी भी बोल देते हैं, है ना। तो अलग अलग टॉपिक, मान लीजिए कोई बच्चा है जो इस शायरी को यानी कॉपी में उस पढ़ाते वक्त लिख लिया, और बाद में जाकर उस कॉपी से जो मान लीजिए शायरी है, तो शायरी को अगर मोटिवेटेड शायरी है तो उसको अलग कर लिया, उसमें एक अलग किताब बना दिया, और एक जहां स्पीच दिया गया यानी जो आपको प्रमोट करने के लिए एक तथ्य यानी बातों को रखा गया, उसको अलग एक विषय वस्तु यानी कि किताब बना दिया गया, और बाकी जो और बस जैसे बीच बीच में कहानियां सुनाए, तो आपका कहानियां का टॉपिक यानी कि आपका हो गया क्या, एक हो गया आपका मोटिवेशनल, एक हो गया आपका हम अभी ने बोले आपका शायरी, और एक हो गया आपका स्पीच बोल लिख सकते हैं, और एक आपका हो गया
है ना, इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। यानी हम बीच बीच में क्लास में ये सब चीजें बोलते रहते हैं, मोटिवेशन बातें बोलते हैं, सॉरी यानी कि सैरी बोलते हैं, है ना, खुश करने के लिए। आपका ये हो गया स्पीच बीच बीच में बोल दिया जाता है ताकि आपका बोरिंग फील ना हो क्लास में, है ना। तो अगर कोई बच्चा कॉपी में उस क्लास में लिख लिया और जाकर घर जाकर अलग एक डायरी नोट यानी नोट तैयार किया है डायरी, जिसमें केवल लिखा है कि राय सरकार मोटिवेशनल मैटर यानी बात, और किसी ने लिखा राय सरकार सॉरी यानी कि सैरी, और किसी ने लिखा राय सरकार मोटिवेशनल, या किसी ने लिखा स्टोरी, है ना, यानी कि राय सरकार स्टोरी। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम क्लास में आपको केवल हम स्टोरी मोटिवेशनल या स्पीच या स्टोरी आपको सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, या पढ़ाई तो नहीं होता है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ जो क्रियाकलाप होती है उसको अगर किसी बच्चा ने अलग पुस्तक तैयार कर दिया तो उसी को कहते हैं उपवेद, यानी जो वेद से रिलेटेड है। यानी उप मतलब होता निकट, वेद के निकट, यानी वेद के निकट, वेद के निकट को ही उपवेद माना गया। और अलग अलग जैसे विषय वस्तु को एक आधार देकर, एक आधार देकर उसको नामकरण कर दिया गया, उसी को कहते हैं उपवेद। तो हम लोग ने देखेंगे उसके बाद, तो हम लोग के कुल पास कुल चार वेद है, यानी कि ऋग वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया साम वेद, चौथा हो गया अथर्ववेद, है ना। तो ऋग वेद के उपवेद क्या है, यजुर्वेद के उपवेद क्या है, साम वेद के उपवेद क्या है, और अथर्ववेद के उपवेद क्या है। अगर ये उपवेद अब उसके बाद रचनाकार में देखिए, रचनाकार मान लीजिए कि जो ऋग वेद के उपवेद जो भी लिखा गया है, तो जो उस वेद को कौन लिखे हैं यानी कौन रचना किए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ मोटिवेशनल जो बात, जैसे हम आपको बीच अभी समझाएं कि ये चीजें को आप अलग अलग तरह तैयार कीजिएगा। मान लीजिए कोई नाम का एक, है ना, अलग नाम का एक सन्नी नाम का लड़का अगर मोटिवेशनल वीडियो लिखता है, सॉरी मोटिवेशनल बातों को लिखता है, तो उसका मोटिवेशनल राय सर का मोटिवेशनल वीडियो स्पीच का यानी बात का रचनाकार, रचना किसने किया, तो सनी नाम का लिखा। कोई अमित नाम का शायरी लिखता है, यानी कोई स्टोरी कौन लिखता है, अलग अलग नाम है, है ना। कोई लड़कियां शायरी को लिखती है, तो ये हो गया यानी कि जो रचनाकार हैं, तो ये रचनाकार में आ जाएंगे। और जैसे मोटिवेशनल यानी कि जो ये रचनाकार यानी उपवेद है, उस उपवेद को किससे रिलेटेड रखा, यानी मोटिवेशनल स्पीच है, तो इसको अलग नाम दे देंगे, है ना, इसको अलग नाम में, इसका विषय वस्तु इसका क्या होगा, तो मोटिवेशनल स्पीच होगा। उसके बाद उसके अलग एक उपवेद में जैसे स्टोरी का या आपका कहानियां जिसमें हम लिखा गया किताब है, तो अगर उस कहानियां को अलग नाम नामकरण के द्वारा हम लोग लिखेंगे, और जो इस नामकरण में जो इसका विषय वस्तु में डालेंगे हम लोग स्टोरी। तो हम लोगों ने समझा कि वेद और उपवेद में काफी समानताएं हैं, यानी वेद से ही कुछ कुछ चीजों को मतलब छांटा गया है, और छांट कर अलग अलग विषय तैयार किया गया है, उसी को हम लोग उपवेद में करते हैं, और उसको जो रचना किए हैं उनका भी हम लोग नाम जानेंगे। तो सबसे पहले ऋग्वेद में हम लोगों ने देखा, ऋग्वेद का उपवेद का नाम है यानी जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, आर यू अजुर्वेद, यानी ऋग्वेद के जो भी ऋग्वेद का उपवेद है उसका नाम क्या है, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का मतलब था चिकित्सा संबंधित, तो चिकित्सा हम लोगों ने देखा कि अथर्ववेद में है, नहीं जनरली जो भारत से रिलेटेड चिकित्सा पद्धति को अपनाया गया है वो अथर्ववेद में, लेकिन ऋग्वेद में भी किसी चिकित्सा संबंधित कुछ 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 बातें को इसमें जोड़ा गया है। ऐसा थोड़ी है कि ऋग्वेद सबसे पहले तो ऋग्वेद ही है, तो ऋग्वेद में भी कुछ कुछ चीजों को संकलित किया गया है, और उसी संकलन में अलग अलग वेदों को उसमें ट्रांसफर किया गया। यानी कि ऋग्वेद का हम लोग ने देखा उपवेद का नाम क्या है, यजुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है यजुर्वेद, उसके बाद सॉरी आयुर्वेद, बोलने में गलती होगा, ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का आपका हो गया धनुर्वेद। याद रखिए यजुर्वेद और सामवेद को हो गया आपका गंधर्ववेद, और एक हो गया आपका अथर्ववेद, तो इसका हो गया शिल्पवेद। यानी हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद, सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद के उपवेद का नाम है शिल्पवेद, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं आखिरी यानी कि याद रखने का ट्रिक, देखिए ऋग्वेद है तो इसको यजुर्वेद, आयुर्वेद यजुर्वेद को देखिए तो यजुर् मतलब होता है यज्ञ, और यज्ञ किससे रिलेटेड है तो धनुष से, यानी आपका धनुष किसमें काम आएगा, तो यज्ञ में यानी कि लड़ाई झगड़ा में
पुनायगत यानी कि यज्ञ के द्वारा लाया किया धनुष धनुर्वेद साम यानी साम वेद किसको कहते हैं गान वेद को यानी गंधार मतलब गान तो गान वेद किस में आएगा यानी कि गान जो उपवेद है वो क्या आएगा गंधार वेद उसके बाद ये शिल्प वेद शिल्प मतलब रचना यानी कि बनाने बनावट है ना। अब उसके बाद आयुर्वेद के जो रचनाकार है उसको हम लोग देखते हैं तो ऋग्वेद के उपवेद है यजुर्वेद और इसके धन्वंतरी है और धनुर्वेद के है आपका विश्वामित्र गंधार वेद का आपका है भरत मुनि और एक शिल्प है उसका शिल्प मतलब विश्वकर्मा विश्वकर्मा है ना विश्वकर्मा। अब यजुर्वेद में किससे चिकित्सा को संबंधित विषय को डाला गया तो ये आपका विषय वस्तु हो जाएगा चिकित्सा। इसमें गंधार धनुर यानी यजुर्वेद में धनुर्वेद इसमें क्या क्या चीज डाला गया है यानी कि यज्ञ से रिलेटेड है ना इसमें यज्ञ से रिलेटेड डाला गया है यज्ञ या इसी को युद्ध भी लिख सकते हैं युद्ध। उसके बाद गंधार वेद में आपका संगीत से रिलेटेड है और एक हो गया शिल्पकार शिल्प का जैसे बस शिल्पकार। तो हम लोग अब समझते हैं कि इसका आयुर्वेद के जाना कौन है आयुर्वेद का रचनाकार है धन्वंतरी धनुर्वेद के यानी कि कौन है तो विश्वामित्र याद रखिएगा है ना। उसके बाद गंधार वेद के रचनाकार कौन है तो भरत मुनि ने किया और शिल्प वेद के रचनाकार है शिल्प मतलब बनावट तो वैसे किसने बनाया विश्वामित्र और ये शिल्पकार हो गया। इसके इससे इसमें जो विषय वस्तु है वस्तुकला है वस्तुकला यानी वस्तुकला हो गया आपका वस्तुकला का मतलब कैसे भवन से रिलेटेड हो गया जैसे भवन भवन को किस और कैसे तैयार किया जाता है तो यानी कि चिकित्सा किससे रिलेटेड है विषय वस्तु किसका है तो यजुर्वेद का युद्ध के रिलेटेड जो भी बातें हैं तो धनुर्वेद यानी युद्ध कहाँ आता है यानी धनुर्वेद यानी युद्ध किसका उपवेद है तो यजुर्वेद का और इसमें किसका संकलन किया धनु मतलब धनुष और धनुष किस में काम आता था युद्ध में तो ये हो गया युद्ध और ये हो गया इसका रचनाकार कौन है इस तरह से अंत इसका रचनाकार है विश्वामित्र। उसके बाद गंधार वेद हो गया साम वेद का उपवेद है और इसका रचनाकार है भरत मुनि और भरत मुनि एक व्यास है तो इसका संगीत से रिलेटेड वस्तु है और ये आपका विषय वस्तु यानी विश्वकर्मा हो गया तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग को लिखना है इस पे यानी उत्तर वैदिक काल के यानी हेडिंग में लिखना है उत्तर वैदिक काल यानी 4 यूनिट और उत्तर वैदिक काल में हम लोग को 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक लिखना है। उसके बाद डैश देखे लिखिए रिंग कुल 4 वेद हैं डैश देखे लिखना है कुल लिखिए कुल 4 वेद हैं और पहला में लिखिए रिंग वेद लेके यह सबसे बड़ा वेद है रिंग वेद में डैश देखे लिखना है यह सबसे बड़ा वेद है और इसमें कुल 10,580 मंत्र हैं 10,580 मंत्र हैं। उसके बाद इसी में डैश देके लिखिए और स्टार मार्क है कि इसमें प्रार्थना और उपासना का मंत्र है इसमें प्रार्थना और उपासना का मंत्र है। उसके बाद लिखिए सेकंड में आपका हो गया यजुर्वेद में डैश देके लिखिए यह तीसरा सबसे बड़ा वेद है इसमें कुल 1975 मंत्र हैं इसमें कुल 1975 मंत्र है और इसी में डैश देके लिखिएगा यह कर्मकांडीय वेद है तथा इसमें यज्ञ के विधि विधान का उल्लेख है तथा इसमें यज्ञ के विधि विधान का उल्लेख है। उसके बाद लिखिए कि यजुर्वेद गध और पद दोनों में है यजुर्वेद गध और पद दोनों में है। उसके बाद लिखिएगा कि यजुर्वेद दो भागों में विस्तृत है पहला हो गया कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हो गया शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद लिखिए और दर्श देकर लिखिए कृष्ण यजुर्वेद गध और पद दोनों में है
गद्य और पद दोनों में है और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद यानी कि कविता फॉर्म में है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए लिखिए, शुक्ल यजुर्वेद ये केवल पद रूप में है, पद रूप में है। और उसके बाद हम लोगों का तीसरा है सामवेद, तो इसमें हेडिंग लीजिए लिखिए सामवेद और इसमें डैश देके लिखिए, यह सबसे छोटा वेद है और इसमें कुल 1875 मंत्र संकलित है, 1875 मंत्र संकलित है। और इसको इसी में डैश देके लिखिए, सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है, संगीत का वेद भी कहा जाता है। इसमें डैश देख लिखिए, 69 मंत्रों को छोड़कर यानी 69 मंत्रों को छोड़कर बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है तथा ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतमय बनाया गया है उसके बाद दर्श देख लीजिए इसी में और स्टार मार लीजिएगा, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद आपका चौथा वेद हो गया अथर्ववेद, तो इसी में लिखिए दर्श देखिए हेडिंग में अथर्ववेद और यह लिखिए यह दूसरा सबसे बड़ा वेद है। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? तो 6000। इसमें कुल 6000 मंत्र हैं। और इसी में डैश देख लिखिएगा आगे लाइन कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का उल्लेख मिलता है, और एक आपका जो एग्जाम के अधिक पूछता है यानी कि वीवीआई मार लेगा स्टार में कि अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद कहा जाता है। और एक डबल स्टार मारिएगा इसमें डैश देख लिखिए भारतीय चिकित्सा पद्धति का जनक अथर्ववेद को कहा जाता है। तो ये हो गया आपका वेद से संबंधित क्वेश्चन। अब उसके बाद में हेडिंग में लिखिए, एक साइड लिखिएगा इस तरह से लिखिए सेक्शन बना के वेद और एक साइड लिखिएगा वेद और एक साइड लिखिए पुरोहित। और वेद में पहला लिखिए ऋग्वेद और ऋग्वेद के सामने पुरोहित में लिखिए किसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो होता या होत्री। उसके बाद सेकंड वेद के सामने लिखिए, सेकंड में आपका यजुर्वेद और उसके सामने यजुर्वेद के वेद हो गया और इसके जो पुरोहित है उनको क्या कहा जाता है, इनके पुरोहित को क्या कहा जाता है, अधर्वयु। तो इनके यजुर्वेद के सामने लिखिए अधर्वयु। और तीसरा में लिखिए सामवेद और सामवेद के सामने में लिखिए पुरोहित में आपका उद्गाता। और ये आपका चौथा और लास्ट हो गया आपका अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में लिखिए और पुरोहित के सामने लिखिए इसी में ब्रह्मा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग वेद उपवेद उसके बाद रचनाकार कौन है और विषय वस्तु को हम लोग लिखेंगे, तो हेडिंग में लिखिए वेद, एक सेक्शन बनाइए इस तरह से और एक साइड में लिखिए उपवेद और एक सामने लिखिए रचनाकार और एक विषय वस्तु। ये चार टॉपिक को कॉलम वाइज बनाइए उसके बाद हम लोग लिखाते हैं। उसके बाद वेद के सामने लिखिए ऋग्वेद में कौन हो गया, ऋग्वेद के सामने उपवेद में लिखिए आयुर्वेद। और इसके रचनाकार कौन है, धन्वंतरी। तो डैश देके सामने में लिखिए आपका रचनाकार के कॉलम में धन्वंतरी। और ये किससे रिलेटेड है यानी किससे संबंधित है, तो इसका विषय वस्तु क्या है, तो चिकित्सा से संबंधित किसमें जो भी वस्तु डाला गया है किसमें डाला गया है, यजुर्वेद में। तो यह किसका विषय वस्तु हो गया, चिकित्सा। उसके बाद सेकंड में हम लोग लिखना है यजुर्वेद
यजुर्वेद और उसके बाद डैश यानी कि उपवेद के सामने लिखिए, यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है, धनुर्वेद, 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 और इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र, यानी रचनाकार के सामने विश्वामित्र लिखिए, और रिलेटेड किसे है, तो धनुर मतलब धनुष, और धनुष कहाँ चलाया जाता है युद्ध में, तो ये आपका युद्ध यानी कि धनुष किससे चलाया जाता है युद्ध में, यानी कि जो यजुर्वेद धनुर्वेद विश्वामित्र के सामने लिखिए, विषय वस्तु में इसका क्या है, तो युद्ध से रिलेटेड है, यानी युद्ध हो गया। उसके बाद तीसरा में हम लोग का है सामवेद, तो सामवेद लिखिए वेद में, उसके उपवेद में लिखिए, उसके उपवेद में लिखिए गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, और इसके रचनाकार कौन है, तो भरत मुनि, यानी भरत मुनि, इसको भरत व्यास भी बोल सकते हैं, भरत मुनि। और ये किससे रिलेटेड है, तो संगीत से रिलेटेड है, यानी ये रिलेटेड किससे टॉपिक है, संगीत से। अब उसके बाद हम लोग का चौथा और आखिरी है अथर्ववेद, तो डैश अथर्ववेद लिखिए वेद के सामने, और इसके जो उपवेद का नाम क्या है, तो शिल्प वेद है, यानी शिल्प मतलब बनावट या रचना करना, तो इसके कौन है, शिल्प वेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्प वेद, इसके रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र, सॉरी विश्वकर्मा, उनका रचनाकार कौन है, तो विश्वकर्मा। और ये किससे रिलेटेड है, यानी किससे संबंधित है, तो ये आपका विषय वस्तु, यानी विषय वस्तु, विषय कला, यानी वस्तु कला, वस्तु कला का मतलब होगा कि भवन किस तरह से तैयार किए करें, किस तरह से उसका पिलर को तैयार करें, किस साइड में उसका, है ना, हिंदू धर्म में होता है,